बिहार अझोलिया मोड़ के जो समीप है, और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं चाय का जो चुस्किया ले रहे हैं, और ठंड का मौसम और ठंड भी जोर शोर से है और काफ़ी जो ठंड लग रहा है, और लोग भी हैं जो कि चाय का चुस्की ले रहे हैं, और उनसे हम जानेंगे चुनाव के बारे में और चुनाव का किस तरह से माहौल चल रहा है और क्या बीरो नगर परिषद में जो क्या मुद्दा होगा चुनाव के लिए, आइए हम जानते हैं। क्या कहेंगे सर, देख रहे हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है आजकल बीरो नगर परिषद में। हाँ, चुनावी माहौल तो चल रहा है भाई, चाय भी आप पी रहे हैं ना? चाय तो हम लोग शाम में पीने आते हैं, सब लोग पी रहे हैं चाय। चाय चाय तो ठंडा का सबसे विशेष चीज़ होता है, पीना ही चाहिए। और ठंडा लग रहा है कि नहीं आज के समय में? लेकिन आपको नहीं लग रहा है? ठंडा तो सबको लग रहा है। हाँ जी, ठंडा है लेकिन कम ठंडा है, लेकिन चुनावी सरगर्मी जो है ना वो ठंडा का ठंडक कम कर दिया है। प्रत्याशी ठंडा है लेकिन जो चुनावी सरगर्मी है, चुनावी सरगर्मी में ठंडा अब अपने आप में लग रहा है कि खत्म हो रहा है। और चुनाव में देखिए, जातिगत जो एक समीकरण है वो नहीं होना चाहिए। एक पीरो के नागरिक के नाते मेरा तो यही कहना होगा, हम तो यही कहना चाहेंगे कि कम से कम देखिए भाई, चुनाव हो रहा है, जातीय समीकरण जातीय कार्ड खेला जा रहा है, तो कम से कम पब्लिक को, एक आम पब्लिक को, जैसे हम हैं एक आम पब्लिक, आप हैं, तो हम लोगों को इससे क्या मतलब है? जातिगत समीकरण से बियॉन्ड जाना चाहिए, उसके परे जाना चाहिए। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होना चाहिए? नगर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, नगर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, नगर में बहुत सारे विकास का काम होना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर बढ़िया होना चाहिए, महिला कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज होना चाहिए, एक भी आपके अनुमंडल में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, दो वित्त रहित कॉलेज हैं, शैक्षणिक जो संस्था का बुरा हाल है, मतलब जो कम से कम यहाँ पर पीजी स्तर का पढ़ाई होना चाहिए, एक भी पीजी कॉलेज नहीं है जहाँ पर लोग अपना मास्टर का डिग्री लें, यहाँ पर ग्रेजुएशन तक लास्ट हो जाता है, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, चिकित्सा का भी हाल अच्छा नहीं है, तो इस सब पर मेन मुद्दा है। हालाँकि देखिए, एक व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता है इसमें, सबका कुछ जनप्रतिनिधि में मेयर का भी हाथ होता है, विधायक फंड भी होता है, कुछ सांसद फंड भी होता है, लेकिन सबको अपने स्तर से बेस्ट कोशिश करना चाहिए। महिला को एक आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर नहीं बैठती है, एक आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइएगा तो चिकित्सा का वही बुरा हाल है। हाँ, सड़क उड़क ठीक है, सड़क उड़क बढ़िया है, लाइटिंग वाइटिंग की सुविधा अभी तक से संतोषजनक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाले उले के सफाई का जो बात है, ये सब जो चीज़ है, तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं पीरों में, सब खराब ही नहीं है। पब्लिक केवल निगेटिव ही बातें करते हैं तो हम केवल निगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, बहुत सारा सुधार का गुंजाइश है। और जातिगत समीकरण को तोड़ करके, जातीय बंधन को तोड़ करके, पब्लिक को केवल एक स्वच्छ मानसिकता से अपने विकास के मद्देनज़र इस एजेंडे पर, इस मुद्दे पर वोट देना चाहिए मेरे ख्याल से, कि नहीं भाई चलिए कोई जातिगत समीकरण नहीं, जातीय समीकरण से हट करके वोट दीजिए और नगर को अच्छा कीजिए। हम लोग तो पीरों के हैं तो हम लोग यही ना सोचेंगे। जी सही बात बोल रहे हैं। इनका सर का कहना है कि जो कि जाति से ऊपर उठकर जो विकास का जो कार्य करेगा उनको वोट देना चाहिए। और भी यहाँ पर जो कि चाय का चुस्किया ले रहा है, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? बोलिए, आप ही बोलिए ना। हमारा नाम पड़ेगा लड्डू। ठंडा लग रहा है? हाँ ठंडा लग रहा है। देख रहे हैं कि चाय के चुस्किए के साथ नमकीन भी ले रहे हैं आप लोग। हाँ तो नमकीन नहीं जी। चुनाव माहौल भी चल रहा है ना, आप लोगों को तो ठंडा लग रहा है लेकिन प्रत्याशी लोगों को गर्मी लग रहा होगा, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, सरगर्मी पर है। कैसा नेता चुनना चाहेंगे आप लोग चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए? हम लोग नेता चुनेंगे समाज के काम हो, विकास हो, अभी तो खोल के नहीं बताएंगे ना। नहीं नहीं, बताना भी नहीं है। ना, खोल के नहीं बताएंगे ना। सही बोल रहे हैं। समाज के काम हो, जनता खुश हो, ऐसा नेता हम लोग चुनेंगे। क्या मुद्दा होगा आप लोगों के लिए मेन बीरो नगर परिषद के लिए? मेन यही है कि देखिए, रोजगार चाहिए, और क्या है यहाँ पे, कुछ है नहीं। पब्लिक यहाँ पे सोचता है कि किसी को जिताएं, वो हमारा ध्यान रखते। मान लीजिए कि कोई भी इंसान पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उससे उसका जिंदगी गुजर जाएगा। सरकार को, कोई भी सरकार आए, हमको उससे तकलीफ नहीं है, वो हम लोगों को सोचने के। नगर परिषद पीरो में क्या क्या मतलब मुद्दा होगा आप लोगों का? मुद्दा मेन मुद्दा मेन मुद्दा कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, और डॉक्टर का एकदम सुरक्षित डॉक्टर चाहिए। कि एक मरीज को यहाँ पर भर्ती करने के कारण यहाँ पर कोई भी डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पर नहीं, हमारा ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, हम लोग को यही कारण है कि बढ़िया डॉक्टर चाहिए और हॉस्पिटल बढ़िया जो कि है उसको बनाया जाए, कार्यक्रम पर किया जाए उसको। सही बोल रहा है। आपका क्या मुद्दा होगा भैया? नहीं बोलेंगे। देखिए, इस तरह से लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य का मेन मुद्दा हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य का है पीरो नगर परिषद के लिए। और भी देख रहे हैं कि यहाँ पर चाय बन रहा है और लोग भी चाय पीने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? राजेश लाल। कहाँ घर है? हमारा घर है बक्सर जिला। बक्सर जिला है? बक्सर जिला बक्सर में ही है कि गाँव में है? गाँव में है, खीरी मुखराव गाँव है। चलिए बढ़िया है। और चुनावी माहौल के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो कि नगर परिषद का जो चुनाव है। क्या नाम है भैया?
प्रदीप कुमार भारती। नगर परिषद पीरो के लिए कैसा उम्मीदवार आप लोग चुनना चाहेंगे? हम लोग बढ़िया उम्मीदवार चाहते हैं कि आए, जनता को सेवा करें, अपना नगर का थोड़ा विकास करें। क्या मुद्दा होगा भैया, क्या नाम है आपका? राजा। कहाँ घर है? पीरो कहीं घर है। आप लोग के लिए मेन मुद्दा क्या होगा पीरो नगर परिषद के लिए? जो भी होगा बढ़िया होगा। जो आप क्या चाहते हैं, मान लीजिए कोई नगर परिषद का जो चेयरमैन बनता है, सभापति बनता है, ऐसा सभापति हो जो सबका काम करे, भेदभाव ना करे, ठीक है, सबको देख के चले। मेन क्या, कौन सा काम आप लोग चाहेंगे कि जीतेंगे उसके बाद? रोड हो, चाहे घर का मतलब गांव हो, ये सब हो। देख रहे हैं कि चाय पीने के लिए आप लोग आए हुए हैं ना, यहाँ का चाय फेमस है इसीलिए। अच्छा, चाय फेमस है, चाय पी रहे हैं भैया। कैसा है चाय, कैसा है चाय? चाय बगैर चीनी क्या है? चीनी नहीं है। चलिए, चीनी कम मतलब पीना चाहिए क्योंकि शुगर बढ़ जाएगा। चलिए, अच्छा है। क्या नाम है भैया? अमृतेश। कहाँ घर है? पीरो। पीरो ही घर है। कैसा उम्मीदवार चुनेंगे आप लोग नगर परिषद के लिए? बढ़िया है, जो सबका हो, सबके लिए काम करे। कोई मतलब काम आपके नज़र में है कि मतलब बड़ा जो काम है कि होना चाहिए? या जो वो पीरो स्टेशन रोड है, हीरो एजेंसी से जो स्टेशन रोड है, उसे पूरी तरह से भैया मरम्मत देखना चाहते हैं। जो भी उम्मीदवार जीते उस पर ध्यान दे आप, जो भी हो। और मुद्दा, अभी तो वही एक मुद्दा दिखाई नज़र आ रहा है। और एक और मुद्दा यह है भैया कि मतलब पीरो में जो भी बाहर से राहगीर आ रहे हैं, रात में रुकने के लिए व्यवस्था का एक प्रबंध मतलब उनके लिए हो, क्योंकि सरकारी हो, सरकारी योजना के तहत हो, धर्मशाला के जैसा। क्या ग्राउंड? हाँ, और खेल कूद का मैदान हो बढ़िया। और तीसरा मुद्दा ये भी है, यहाँ पर पार्क वार्क नहीं, एक पार्क है छोटा सा जो कि हरदम बंद ही रहता है। पार्क एक है पड़ाव मैदान के पास जो कि हरदम बंद ही रहता पार्क, है। हाँ, पार्क के लिए हम लोग आवाज, हम हाँ आपके एक माध्यम से हम देखे थे। लेकिन भैया सब इन सब मुद्दाओं में सबसे नंबर वन मुद्दा भैया यही है कि जो पीरो स्टेशन रोड है भैया, उसे मरम्मत करवा दे, जो भी उम्मीदवार जीते उस पर ध्यान दे। हमने छठ पूजा से पहले हम लोग आवाज उठाए थे उसके लिए, थोड़ा बहुत मरम्मत हुआ है और नली वली भी बना हुआ है। हाँ। तो भैया वो कमेटी काम किया है, ना कि भैया कोई किए हैं। वहाँ का जो छठ पूजा कमेटी है वो अपना चांदा दिहाड़ी ये सब लगा करके वो सब काम किए। नहीं तो छठ पूजा से पहले बहुत से बदतर स्थिति था उस रोड का। आपने एक बार उस रोड का वीडियो भी बनाया, हम आपका वीडियो देखे हैं। हाँ भैया, तो यही अपील है आपके माध्यम से परसमित लाइव से कि वो जो रोड है मरम्मत के कोई भी उम्मीदवार जीते उस पर ध्यान दे। सही बोल रहे हैं आप। नहीं, मुद्दा वो नहीं है। हाँ। मुद्दा वो है कि जो प्रशासन और कानून को पीछे रख के और आगे आकर अपने से हल कर दे, ये कहिए। हाँ, उसको हम सपोर्ट करते हैं। हाँ। मतलब उसमें गट्स होना चाहिए, समझ रहे हैं। हाँ। जो खड़ा हो जाए कहीं भी, जो उस तरह का उम्मीदवार संतोष यादव है, मतलब स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए, ग्राउंड के लिए, या फिर शिक्षा के लिए, सब मतलब नहीं है स्वास्थ्य के लिए। सब होने नहीं होगा, नहीं होगा ये सब। ये सब आप कितना भी नहीं फॉलो हम नहीं करते हैं। सुनिए, हमारा मत यही कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ये सब नहीं होने वाला है। ये सब सरकार चोर है, ऊपर का सरकार चोर है, कभी बदलने वाला नहीं है। शासन को कैसे चोर कहा दे रहे हैं? सब चोरे हैं टोटल। कैसे, कैसे क्या हम जानते हैं? आप आज मतलब इतना बढ़िया बढ़िया न्यूज रिपोर्टर, इतना अच्छा अच्छा काम करके भी कोई बदलाव नहीं ला पाया, हमेशा मारपीट। अब पत्रकारिता में भी तो बहुत सारा आजकल फ्रॉड है, मतलब कोई अच्छा दिखा रहा है, कोई गलत प्रमोट करने जा रहा है, मतलब बहुत सारा। फिलहाल तो नगर परिषद पीरो के लिए हमने दिखा रहा है कि क्या क्या मुद्दा होगा। आपका अच्छा है, आपका अच्छा है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो उम्मीदवार बीच सड़क पे आ जाए और बीच सड़क पे आके फैसला कर दे ऑन स्पॉट, उसको हम बढ़िया मानते हैं। चलिए बढ़िया है, चलिए बढ़िया है। और ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन मतलब समाज से ऊपर उठकर जो कोई भी कार्य के लिए फैसला आकर फैसला करे, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। हालांकि अपने दम पर हो और जो अपने कट्टर पंथिता के लिए जाना जाए, एकदम वो समझे, उसका दर्द समझे वो। क्या नाम है आपका? तरफ से नहीं, नवीन कुमार तिवारी नाम है मेरा। चलिए ठीक है। और देखिए इस तरह से, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या मुद्दा होगा हीरो नगर परिषद के लिए। यहाँ पर अभी चाचा हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? सरजू सिंह। कहाँ घर है? रोजवलिया। नगर परिषद पीरो में आप भी आते हैं ना? क्या मुद्दा होगा पीरो नगर परिषद के लिए? आप लोग किस, कैसा उम्मीदवार चुनेंगे आप लोग? बढ़िया उम्मीदवार चुनेंगे हम लोग, बढ़िया जो काम करे। मतलब कौन सा काम करवाना चाहेंगे जो उम्मीदवार से अगर जीतेगा तो? नाली चाहे, गली चाहे, बिजली चाहे। नाली गली तो सब उम्मीदवार बनाते हैं। नहीं खेल बनावाते, जाके देखी तो हमने, अभी पानी बहुत है। कहाँ? गांव में, उजोलिया गांव में। उजोलिया गांव में पानी बहुत है। हाँ, रोड पर।
जोलिया जोन बड़ू पहले हम तो नगर पंचायत में ना ना रहे अब बनू अब हां तो अब बने के चाहिए नु तो अब जो उम्मीदवार जीतेगा उसे हम पूछेंगे। हां ठीक है। का नाम पड़ेगा दादा? व्यक्ति हमारा चंद्रेश्वर पांडे। आपका घर कहां है? लाराबाद। लाराबाद भी नगर परिषद में है जी। नायक बोला ये हम लोग का सब पंचायत पहले का था वो आगे है नगर परिषद। ठीक है। आपके लिए कौन सा कार्य होना चाहिए पीडो नगर परिषद में? विकास का काम होना चाहिए। गरीब हो या सबसे तो पहले गरीब को देखना है। हाँ। गरीबों को उठाना है जी। जी सही बोल रहे हैं। शिक्षित लोग पड़े हैं उसको देखना है गरीब लोग को। जैसे मान लो कि हमारा 5 बीघा खेत है हमारा एक किसी का एक बीघा नहीं है। हाँ। तो पहले तो जिसका 1 बीघा नहीं है तो उसको तो देखना है ना जी। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड में चलना है। जी सही बोल रहे हैं। है? क्या भैया क्या कहेंगे? आइए 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 कुछ बोलिए। अभी भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे हैं। मेरा नाम मंसूर है। क्या कहेंगे? क्या आपके लिए कौन सा मुद्दा होगा? अहम मुद्दा होगा पीरो नगर परिषद। विकास होना चाहिए और का मुद्दा? देखिए सब लोग बोल रहे हैं कि विकास होना चाहिए, विकास होगा और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विकासों में कौन सा मेन कार्य होगा आपके लिए? अस्पताल सही नहीं है यहाँ, उसके लिए मतलब जीतेंगे आदमी तो करेंगे, यही सब है। अच्छा है। और देखिए अस्पताल के बारे में भैया बोले और सही बात है कि अस्पताल में बहुत सारी दिक्कतें, हमने गया भी अस्पताल में देखा भी है कि डॉक्टर का कमी है, अस्पताल की चारदीवारी नहीं है वहाँ पर, और भी बगल बगल में थोड़ा गंदगी लगा हुआ रहता है वहाँ पर, उसके लिए सफाई नहीं है। जी सही बोल रहे हैं। सर सफाई नहीं है, सब्जी मार्केट में जाने के बाद महकता है, झाड़ू उड़ू सही से नहीं लगाता है सर, यही सब मुद्दा है। अब जीतने के बाद देखो क्या हो रहा है। जी थैंक यू। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी हम लोग जानेंगे चुनाव के बारे में। क्या नाम है भैया? प्रदीप कुमार भारती। कहाँ घर पड़ेगा आपका? ओझोलिया, पीरो ओझोलिया मोड़। पीरो नगर परिषद में इस बार चुनाव माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या मुद्दा होगा आप लोग का? गांव के लोग के लिए विकास चाहिए, क्योंकि यहाँ विकास हुआ नहीं है पहले, क्योंकि ये पंचायत था अब नगर परिषद हो गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो। हाँ। क्या मुद्दा होगा? क्या नाम है? सरजू प्रसाद। क्या मुद्दा होगा, मेन मुद्दा क्या होगा पीरो नगर परिषद? यही होगा साफ सफाई का, और क्या मुद्दा, शौचालय का। पीरो में लेडीज के लिए शौचालय बहुत दिक्कत है, जाम से वैसा ही हालत खराब हो जाता है, जाम लगता है, बहुत ज्यादा जाम लगता है, यही मुद्दा है हम लोग को। और खेल का मैदान? खेल मैदान हो तो बकरी या गाय चरिए रही है, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। हम इस तरह से दिखाने का कार्य कर रहे हैं और सभी लोग अपना अपना मुद्दा है और जो कि बताने का जो कार्य कर रहे हैं लोग, और इस वक्त हम मौजूद है जो कि पीरो नगर परिषद के ओझोलिया मोड़ में, किस तरह से कैसा प्रत्याशी लोग चुनना चाहते हैं और क्या मुद्दा होगा पीरो नगर परिषद के लिए, सभी लोगों का उचित तरीके से बताने का कार्य किए हैं। मेन मुद्दा जो कि है स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और खेलने का जो मैदान है ये हो गया, और सभी प्रत्याशियों से हम कहेंगे कि जितने भी प्रत्याशी अगर खड़े हो रहे हैं तो लेकिन उन लोगों को देखना चाहिए, जो भी प्रत्याशी जीतेंगे तो कहेंगे कि जो भी मुद्दा है जनता का मुद्दा जो है उन पर गौर किया जाए और कार्य किया जाए, और इस तरह से दिखाने का कार्य कर रहे थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसों मीत लाइव न्यूज। थैंक यू। जय हिंद।